दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ कैंट कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाहौर से टंडन इलामाबाद एक्सप्रेस के साथ दो क्रिसमस रेक्स आए हैं, तो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए आपको मेरी डिटेल दिखाता हूँ, वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की। सर्च में चैनल का नाम लिखें ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलें। आज मैं मौजूद हूँ कराची कैंट वॉशिंग लाइन में, और सुबह एक स्पेशल ट्रेन आई है वो आपको दिखाने के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आपको स्पेशल ट्रेन। दोस्तों मैं जा रहा हूँ आगे लामा इकबाल की, तो रैक है मेरे साथ उल्टे हाथ पे लगा हुआ इलाहाबाद एक्सप्रेस का, और मेरे सीधे हाथ पे भी एक रैक मौजूद है। तो दोस्तों इस तक मैं पहुंच चुका हूं कराची कैंट वॉशिंग लाइन, तो मेरे सामने इधर आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि जो दो रैक्स आए थे लाहौर से टंडन इलामाबाद एक्सप्रेस के साथ, वो अब जो है साइड पर खड़े कर दिए गए हैं ट्रेन से अलग करके। तो अब चलते हैं रेक्स की तरफ और आपको डिटेल दिखाते हैं वहाँ की। मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ कराची कैंट वॉशिंग लाइन। ये मेरा ये ख्याल था कि अभी भी शायद जो रेक्स हैं वो टेंडाउन में लगे हुए होंगे, नाइन अप बन के यहाँ से जाएगी इलामबाल एक्सप्रेस, लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए और उनको यार्ड पर खड़ा कर दिया। तो चलें और सब आगे चलते हैं। दोस्तों ये रहे पाकिस्तान एक्सप्रेस के रैक्स जो वॉशिंग लाइन से निकाल के अब कराची कैंट की तरफ जा रहे हैं, और हम चलते हैं रैक्स की तरफ। अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर से पूरा विजिट कराता हूँ। मेरी तरफ दूसरी साइड पे वॉशिंग लाइन से आपको दिखा दूँ कि नाइन अप इलामाबाद एक्सप्रेस के रैक्स भी निकल रहे हैं वॉशिंग लाइन से। एक तरफ पाकिस्तान एक्सप्रेस है और दूसरी तरफ से नाइन अप इलामाबाद एक्सप्रेस भी आ रही है। ये रही नाइन अप इलामाबाद एक्सप्रेस, हम चलते हैं पीछे रैक्स की जानिब। दोस्तों कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की और किसी से बात करते हैं कि हमें अंदर से ज़रा अपडेट कराया जाए, ताकि मेरे साथ आप सब लोगों को भी इस ट्रेन के बारे में थोड़ी नॉलेज हो सके। चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं किसी से।
दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये कराची सर्कुलर रेलवे की कोशिश है जिनको ऊपर से पैनाफ्लेक्स लगा के क्रिसमस ट्रेन बनाई गया है और अंदर से भी कुछ तब्दीली की गई है, अंदर से भी डेकोरेट किया गया है। क्रिसमस दुआइया अमन ट्रेन इस कोचिस का नाम रखा गया। तो चलते हैं, देखते हैं आगे मज़ीद और डिटेल। दोस्तों मैं इससे मौजूद हूँ कराची के रेलवे स्टेशन पे, आपके लिए मैं आज यहाँ पे आया है। क्रिसमस स्पेशल ट्रेन के डेक्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनकी वीडियो मैं सोचा आपको दिखाऊँ बना के कि किस तरह से डेकोरेट किया गया है इसको। और लेकिन अभी थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि दरवाजे लॉक हैं कोचिस के, तो अंदर जाने का फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। तो इंशाल्लाह जब यहाँ से जाएगी तो आपके साथ उसकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा शेयर करूँ किस ट्रेन के साथ जाती है और जब ये चलेगी तो किस तरह से इसकी डेकोरेशन आपको हुई है वो दिखाऊँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।